यूपी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ पुरानी रंजिश में आदर्श मिश्रा नामक युवक की गोली मारकर की गई हत्या। पड़ोस के ही गोल्डी यादव नामक युवक पर हत्या करने का आरोप लग रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कंधरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरिहरपुर संगीत घराने की घटना है। गौरतलब है कि जनपद के कंधरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी संगीत से जुड़े राजेश मिश्रा के 23 वर्षीय पुत्र आदर्श मिश्रा, जिन्हें कुछ ही महीने पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया था, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में बगल के ही रहने वाले गोल्डी यादव नाम के युवक पर हत्या का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर शाम आदर्श मिश्रा अपने घर के पास ही था, तभी अचानक से दो युवक आए और फायर कर दिया, जिससे आदर्श मिश्रा के सिर में और एक युवक के पैर में भी गोली लग गई। गंभीर हालत में दोनों को पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां आदर्श मिश्रा को मृत घोषित कर दिया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर ही चक्का जाम कर दिया। सूचना पाकर आला अधिकारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर स्थिति पर काबू पाया गया। उप पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दंबिश दी जा रही है और दो को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पीड़ित परिवार के तहरीर के आधार पर दोषियों के खिलाफ 302 में मुकदमा पंजीकृत कर गैंगस्टर एक्ट एवं अवैध संपत्तियों को ध्वस्तीकरण करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। ठीक है, हरिहरपुर में अभी एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई, क्या है पूरा मामला? थाना कंधरापुर अंतर्गत हरिहरपुर गांव में लगभग शाम को 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि गांव के ही रहने वाले आदर्श मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा, जिनकी उम्र लगभग 23 साल है, इनके सिर में गोली मार के हत्या कर दी गई है। जिसके द्वारा हत्या की गई है उसका नाम गोल्डी और सुशील यादव, पुत्र रामनयन यादव, जो इसी गाँव का रहने वाला है। एक अन्य व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था, इसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई है। मौका मुआयना मेरे द्वारा, DIG सर द्वारा किया गया है। परिजनों से वार्ता भी की गई है। ऑलरेडी दो लोगों को उठा के पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। परिजनों के द्वारा तहरीर लिखी जा रही है। जो भी तहरीर लिखी जाएगी उस पर 302 का मुकदमा पंजीकृत करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई, इनकी जो अवैध संपत्तियाँ हैं उनके जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा और NSA की कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा। हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। अभी तक दो लोगों को हिरासत में लेंगे, पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है और 4 टीमें इसमें गठित की गई हैं सर संबंधित की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे मेरे द्वारा वार्ता की गई है, उनको ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अराजक तत्व किसी भी प्रकार से वहाँ किसी भी प्रकार का माहौल प्रभावित न कर सके। अभी तक क्या इनपुट निकल के आया है जो हत्या हुई है? अभी तक ये जानकारी है कि दोनों लोग जो जिनकी डेथ हुई है प्लस जिसके ऊपर आरोप है जो मुख्य अभियुक्त है, दोनों एक दूसरे से परिचित थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी। घटना का कारण क्या है इसके बारे में परिजनों को जानकारी नहीं है। ये जब हम लोग अभी गिरफ्तार करेंगे, पूछताछ करेंगे, स्पष्ट हो पाएगा कारण क्या है। लेकिन ये घटना हुई है और पूरी गंभीरता के साथ इसमें बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नज़ीर बने। सर, इसमें और कोई घायल हुआ है? नहीं, कुछ लोग जो वहाँ पे मौजूद थे जो भागदौड़ के दौरान जिनको चोट लगी है, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ बैठे हुए थे, अभी उनमें से दो लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उनके द्वारा बताया गया है कि जब भागने के दौरान गिरने के दौरान उनको चोटें लगी, उनका इलाज करा दिया गया, नॉर्मल चोट। देखिए, हरिहरपुर ये आजमगढ़ में कंधरापुर थाने में पड़ता है, वो आजमगढ़ के सदर विधानसभा में भी है। वहाँ से सूचना मिली कि आदर्श मिश्रा जो गायन का काम करते हैं वो पूर्व परिचित भी हैं सबके, उनको गोली मार दी गई है और उनकी वेदांता अस्पताल में मौत हो गई है। उसी सूचना पर हम लोग आज यहाँ पे आए थे। घटनाएं रुक रही हैं और बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है और यहाँ पे घटनास्थल पे भी जिले के कप्तान, DIG और सारे पुलिस उपस्थित थे और हॉस्पिटल पे भी जिले के अपने कप्तान अनुराग जी और DIG अखिलेश कुमार जी सारे लोग आए थे। उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया और जो भी जनता थी उसको भी आश्वस्त किया कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और गिरफ्तारियां भी जल्द से जल्द करेंगे। अब ये तो पुलिस के जांच का विषय है और कारण अभी कोई स्पष्ट नहीं है। बहुत ही दुखद घटना हुई है और हम लोग तो खुद ही शॉक हो गए सुन करके कि मतलब आज के समय में जब इतना लोग विकसित हो चुके हैं और इतना
आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे समय में भी कोई किसी को गोली मारता है क्या? अगर कोई विवाद है, कोई बात का दुख है, तकलीफ है, बात करके सॉल्व होता हो सकता है कोई भी चीज़। कोई किसी को गोली मार दे ये तो आज के समय में समझ के ही बाहर है। पर यह है कि एसपी सर को भी और डीएम सर को भी बात हुई मेरी कि आप पहले तुरंत उसको पकड़िए जिसने ये वारदात किया है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी तो ही बात समझ में आएगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहले तो उनको पकड़ने की आवश्यकता है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ, क्या था मामला, क्या था, किस वजह से इतनी बड़ी बात हुई। तो हम लोग भी बस इंतज़ार तब तक का कर रहे हैं, देखते हैं कि अभी पकड़े जाने के बाद जब पूछताछ होगी तो जो भी मामला है वो सामने आए। अभी कोई मामला परिवार वालों ने आपको नहीं बताया कि क्या कारण? नहीं, अभी तो जैसे मैं आया तो पता चल रहा है कि वो बैठ के वहाँ पे ऐसे दाना वाना खा रहे थे और गांव का ही लड़का वो भी है, तो वो आया उनको पकड़ के और हिलाने लगा, तो उनको लगा कि गांव का ही आदमी मजाक कर रहा है और फिर इतने में उसने सिर पे सटा के गोली मार दी। तो अब एक ही गांव के रहने वाले दो लोग इतनी बड़ी वारदात कर देते हैं तो उसके पीछे अब क्या है? जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक उससे पूछताछ नहीं होगी, तब तक इसके पीछे मामला क्या है वो तो समझ में नहीं आएगा। लगता नहीं कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं? नहीं देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अभी जब तक मामला खुलेगा नहीं, जब तक पता चलेगा नहीं क्या वजह क्या है, जब तक वजह नहीं पता चलेगी तब तक ऐसा नहीं कह सकते। वजह पता चलने के बाद भी कोई बयान आप दे सकते हैं या मैं दे सकता हूँ? ये काम व्यवस्था को थोड़ी चुनौती नहीं दी अपराधियों ने? देखिए क्या, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो भी घटना हुई है बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है, पर इस घटना का कारण क्या है वो कारण जब तक पता नहीं चलेगा तब तक ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूँ। एक बार कारण पता चले तो फिर पता चल सकता है कि भाई ऐसा कोई क्यों करता है या क्यों हुआ। एक बार कारण पता चलने के बाद ही हम भी कोई बयान दे सकते हैं, आप भी कोई बयान दे सकते हैं। कठोर सजा मिलेगी अपराधियों को? निश्चित रूप से। देखिए क्या है कि कानून किसी को भी हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। किसी भी वजह से अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो कोई व्यक्ति हो उसको आपका बेटा, आपका बच्चा, आप ये मान के हमारा बच्चा है ना, तो आप लोग तो प्रशासन के साथ वैसे भी हर तरह हर समय सहयोग में रहते हो। आप दो राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुख करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।